एक दो तीन चार बैक टू बैक वेंडिंग मशीन। भाई दुकान कहाँ है, दुकानदार कहाँ है, ये हो क्या रहा है, मैं हूँ कहाँ? भाई मैं टोक्यो में हूँ और ये है द इनोवेट सीरीज और मैं हूँ गौरव कलीर। बात करेंगे आज वेंडिंग मशीन की, एक ऐसा आविष्कार, एक ऐसा इनोवेशन जो जापान में आविष्कार हुआ 1888 में और उसके बाद ये दौर कभी खत्म ही नहीं हुआ है। देखते हैं इसकी एक शॉर्ट जर्नी, वो भी स्टैटिस्टिक्स में। देखिए पूरे वर्ल्ड में 15 करोड़ वेंडिंग मशीन्स हैं और केवल जापान में 50 लाख है। हर 30 जापानीज के लिए एक वेंडिंग मशीन और पूरा बिजनेस है $60 बिलियन का एनुअली। सो मैं टोक्यो में हूँ और आपको एक एक्सपीरियंस दिलाते हैं कि वेंडिंग मशीन्स के साथ एक पूरा दिन कैसे बिता सकते हैं आप। थ्रू द वेंडिंग मशीन हर चीज, हर जरूरत आपकी पूरी होगी और आपको ना किसी से मिलना है, ना किसी से पैसे का लेन देन करना है। तो वेंडिंग मशीन्स की जर्नी 24 घंटे मेरे साथ ऑन द इनोवेट सीरीज। तो इस तरह की वेंडिंग मशीन्स तो बहुत कॉमन है, आप दिन की शुरुआत कीजिए सुबह 7 बजे, यू हैव योर टी कॉफी सम सैंडविच और बर्गर एंड स्टार्ट योर डे। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल शुरुआत नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अलग से देखें कि किस तरह की वेंडिंग मशीन्स है और कैसे मेरा दिन या आपका दिन अगर आप बताएं टोक्यो में कैसे बहुत कन्वीनियंट हो सकता है। तो मेरा मन कर रहा है कि चलो एक चेंज लेते हैं, अंडरगारमेंट लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा कलर वाले चेंज करते हैं। तो यू नो एक वेंडिंग मशीन जिसमें अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, चूज योर साइज, चूज योर डिजाइन, द मनी एंड यू हैव दैट गारमेंट फॉर योर सेल्फ। दूसरा आज मीटिंग है तो टाई ले लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, आई लाइक द ब्लू टाई सो आई थिंक आई गो फॉर दैट। कोई अपना यूएस यूके यूरोपियन साइज पता होना चाहिए, इंडियन साइज पता होना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू कैन पुट द येन बिल्स एंड टेक अ टी शर्ट फॉर योर सेल्फ, जो मैंने कर लिया है। तो मेरी दिन की शुरुआत ऑलमोस्ट सेट है, नाश्ता अंदर, पेट के अंदर, खाना पीना सब रेडी, पहनने के लिए कपड़ा रेडी एंड नाउ आई एम हेडिंग टू द ऑफिस। तो ऑफिस पहुंच गए थे, 2 बज गए एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। बहुत आसान है यहाँ पे, हॉट मील्स मिलते हैं, कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक ये सब तो मिलता ही है। तो घर पे खाने बनाने वाले की छुट्टी, मेड और बर्तन धोने वाले की आराम, पैसे बच गए। Many hours later. तो टमी इज फुल आफ्टरनून लंच के बाद और फोरकास्ट ये है कि बारिश आने वाली है। तो एक और वेंडिंग मशीन, एक और सॉल्यूशन एंड दैट इज द अम्ब्रेला वेंडिंग मशीन। 400 येन में आपको बहुत ही बढ़िया टिकाऊ अम्ब्रेला मिल जाएगा एंड यू आर रेडी फॉर द इवनिंग शावर्स। पर शाम की हुई छुट्टी, बज गए 5, बॉस ने बहुत डांटा और मूड को अपलिफ्ट करने के लिए वेंडिंग मशीन की बहार, चल गए मिस्ट्री वेंडिंग मशीन की तरफ। तो ये देखिए 100 येन डालिए एंड वेट फॉर द सरप्राइज, कुछ भी हो सकता है, छोटी वॉलेट या कुछ आर्टिफिशियल नेकलेस या फिर हो सकता है कुछ बड़ा मिल जाए, कुछ कैमरा मिल जाए, स्टिल कैमरा जो पहले आते थे। सो यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और ये सुनिए, अ पपी वेंडिंग मशीन। अगर आप हमेशा से चाहते थे कि एक अल्सेशियन या एक पोमरेनियन पपी हो तो आप जाइए इस वेंडिंग मशीन में, विंडो से देखिए, इफ यू लाइक द पपी यू कैन बाय द पपी। कभी सोचा था? So well, it's time to go back home. So plan your evening. आप एक वेंडिंग मशीन में जाइए, वहां पे आपको करी वेंडिंग मशीन मिलेगी। Get your own curries. Again, go to another vending machine which gives you instant hot noodles. वो लीजिए और बढ़िया सा डिनर आपका सेट। तो भाई घर जाने की बारी है, तो मेट्रो टिकट की वेंडिंग मशीन है। Get your ticket over there and you are back home and your day is complete with the vending machine. और अगर आप रास्ता भूल गए तो और वेंडिंग मशीन है, गाइड है, ट्रांसलेटर है एंड इट्स ग्रेट फॉर अ टूरिस्ट। उसके लिए एक दिन बिताना टोक्यो में इतना कन्वीनियंट है दैट इट्स लाइक लविंग टोक्यो विद द वेंडिंग मशीन्स। सो दिस इज 24 आवर्स इन टोक्यो विद द वेंडिंग मशीन्स, अ ग्रेट इनोवेशन। तो स्पॉटलाइट डालते हैं, द वेंडिंग मशीन हैज बिकम एन आर्ट। एजी ओहाशी नाम के फोटोग्राफर ने लंदन में एक स्नो क्लैड वेंडिंग मशीन को बेचा एज आर्ट और उनको मिली कीमत क्या, 28 लाख रुपए। अब मैं आपको देता हूं एक इनसाइट कि जापान में वेंडिंग मशीन इतनी पॉपुलर क्यों है। देखिए द जापानीज पीपल आर वेरी प्राइवेट एंड देयर लाइफस्टाइल इज वेरी बिजी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वहां के स्काई रॉकेटिंग लैंड प्राइसेस और हाई डेंसिटी की वजह से लो वर्कफोर्स में ये होता है कि वेंडिंग मशीन कम इन वेरी वेरी हैंडी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के क्राइम रेट बहुत लो है। इंडिया में अगर ऐसी वेंडिंग मशीन जगह जगह मिल जाए तो वो तो एटीएम मशीन की तरह उसको लाद के ले जाएगा। तो ये है वेंडिंग मशीन्स का मिरेकल इन जापान, द लैंड ऑफ इनोवेशंस। दिस वाज अ न्यू स्पॉटलाइट ऑन द इनोवेट सीरीज विद मी। तो मेरे साथ गौरव करीब के साथ आप एक बार फिर
देखेंगे एक ऐसी इनोवेशन, एक ऐसी मैन मेड इनोवेशन जिसको देख के आप बोलेंगे वाओ। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सम मिनट्स फ्रॉम योर डिजिटल लाइफ। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय फॉर नाउ।